हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीफा का किचन। आज हम बनाते हैं आलू का पराठा। इसके लिए मैंने 6 आलू लिए, इसे बॉईल करके स्टेप से इसे मैश कर लिया है हल्का हल्का अपने हाथों से, मगर मैंने अपने हाथ अच्छी तरीके से धो लिए। और मैंने इसमें 2 गाट प्याज लिए, ये ऑप्शनल है। और आपके पास प्याज नहीं हो, अगर आपको खाते नहीं है तो आप प्याज मत डालिएगा। मैंने प्याज लिया था और ये हरा धनिया, अगर आपके पास हो तो आप डाल लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी ऑप्शनल है। प्याज और हरा धनिया आलू के पराठे में मेन आलू मेन चीज होती है, लाल मिर्च और नमक। तो मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च लिया है और 1/4 चम्मच आधे से ज्यादा मैंने नमक लिया। इस स्टेप से इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए स्टेप से मैंने इसे पूरा मिला लिया, नमक लाल मिर्च प्याज। और अब मैं इसे पराठे में बनाऊंगी, पराठे में भरूंगी और फिर बताऊंगी किस टाइप से भरते हैं। ये मेरा ग्रेवी तैयार हो गई आलू के पराठे की। देखिए हमारा ग्रेवी उसमें भरने की तैयार हो गई थी आलू की। और अब हम ये ऐसे टाइप से एक लोई लेते हैं, आटा लेते हैं और ऐसे ऐसे हाथ में अगर चिपके तो सूखा आटा आप लगा लीजिए। और ये देखिएगा, अब इसको हम साइड से रखते हैं। ये लेते हैं, इतना हमने आलू लिया। पराठे में जब तक कि आप आलू ज्यादा नहीं डालेंगे तब तक आपको पराठा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालिएगा, बट मुझे तो ज्यादा आलू पसंद है इसलिए मैं ज्यादा डालूंगी। ये देखिएगा, अब इसको हम बेलते हैं। तो इसमें बेलने के लिए हम थोड़ा, ओ माय गॉड, मेरा ट्राइपॉड हिल रहा है, थोड़ा सा इस टाइप से सूखे आटे में ऐसे करके इतना बड़ा कर देंगे पराठा। तब ऐसे हम बेलन की हेल्प से ऐसे ऐसे इसे बड़ा कर लेंगे। ये देखिए हमारा पराठा बेल गया और बहुत केयरफुली हमने इसे उठाया, देखिए टूटा भी नहीं है। देखिए मैं इसे, आप सरसों के तेल में भी इसे सेक सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं, पर यहाँ पर मैं असली घी से, देसी घी से सेक रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा होता है। देखिए 3 मिनट में हमारा यम्मी यम्मी आलू का पराठा सेक के तैयार हो गया, जो कि ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया है और आप भी बनाइए, बहुत इजी है। इसमें प्याज हरा धनिया ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप मत डालिएगा। मेन आलू के पराठे में सिर्फ नमक और लाल मिर्च होता है, अगर आपका हरी मिर्च डालने का मन है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकती हैं। और बहुत जल्दी बनता है और अच्छा भी लगता है, बना के देखिए। देखिए हमारा आलू का पराठा बनके तैयार हो गया, आप भी बनाइए खाइए। इसे मैं सिल्वर में नहीं निकाल, वो सॉरी, इसे मैं प्लास्टिक में नहीं निकालूंगी क्योंकि प्लास्टिक में गर्म सामान नहीं रखना चाहिए, वो हार्मफुल होता है, इसलिए मैं इसे स्टील में निकालती हूँ। तो इतना गर्म है तो मैं खा नहीं सकती, तो प्लीज आप बनाइए और खा के बताइए कि मेरा पराठा कैसा बना। और प्लीज अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब प्लीज। फिर हम मिलेंगे आपसे अपनी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।